बीएससी फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स में भाई जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसमें न्यूमेरिकल्स की जो कहानी है भाई उसको आगे बढ़ा दें, तो एक और न्यूमेरिकल कर लेते भाई वेवलेंथ के ऊपर। तो क्या कहा है भाई इस न्यूमेरिकल में, इसमें डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसने जो वेवलेंथ है भाई वो 1 एंगस्ट्रॉम दे दी, मास दे दिया भाई न्यूट्रॉन का इतना है तो हमें पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट भी हमें पता है, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो लैम्डा हम जानते हैं भाई एच अपॉन एम वी होता है, यहाँ से आसानी के साथ हम एम को मास है हमारा यहाँ पर, वी वेलोसिटी है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ है। तो वेलोसिटी जो v है हमारी उसको निकालने के लिए भाई v को यहाँ पर ले आएंगे और लैम्डा चला जाएगा नीचे, तो v इज इक्वल टू m लैम्डा हो गया, वैल्यूज रख देंगे भाई 6.63 मल्टीप्लाई 10^-34 m, 1.67 मल्टीप्लाई 10^-27 1 एंगस्ट्रॉम है हमारा वेवलेंथ, इसको चेंज कर लेंगे भाई 10^-10 आ जाएगा मीटर में भाई ये, ठीक है। क्लियर है बात, पावर हमें सही से काउंट कर लेनी है भाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आंसर भी आपका सही रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 है और ये 6 हो गया, तो 2 3 जस्ट यानी कि 3 के आसपास आएगा भाई आंसर, क्योंकि कैलकुलेट कर लेंगे इतना ही आएगा 10^-27 10^-10 तो 37 हो गई भाई, चलो नीचे ही लिख देंगे भाई 37 हो गई, माइनस के ऊपर जाकर भाई ये हो जाएगी आप लोगों की प्लस की भाई, ठीक है। तो 3.97 मल्टीप्लाई 34 है 37 है 10^3 और वेलोसिटी किस में आती है भाई मीटर पर सेकंड में आती है, ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये तो वेलोसिटी आ गई भाई। अगर बात करें भाई हम किसकी भाई एनर्जी की, उसको निकाल लेते भाई, एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर अप्रोक्स आंसर भी अगर आप लोग निकाल देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, और मैंने बताया था भाई न्यूमेरिकल्स में मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते रहे भाई और फिर आपका ये कंपिटिशन एग्जाम में भाई काम आते किस तरीके से आते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो भाई फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन भाई पहले फॉर्मूले बेस्ड करोगे तभी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। चलिए 1/2 मास 1.67 मल्टीप्लाई 10^-27 वी की वैल्यू रख देंगे भाई, वी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 3.97 मल्टीप्लाई 10^3 का स्क्वायर। चलिए 1/2 1.67 मल्टीप्लाई 3.97 का स्क्वायर, फिर ये पावर हो गई 10^-27 मल्टीप्लाई 10^6, ठीक है। अब ये भाई इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये भाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.16 आएगा भाई और 10^-21 बच गए, ठीक है। अप्रोक्सी जो वैल्यूज हैं हम वो भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये आया भाई आपका जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे भाई 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है भाई। ये भाई 27 कहाँ से आ गया, 21 है ये, ठीक है भाई। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। पावर कैलकुलेट कर देंगे 1.6 इसको डिवाइड कर देंगे भाई, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी उसका आंसर आएगा भाई 8.2 करके देख लेंगे भाई 10^-19 है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 2, तो 21 में से 19 गई, प्लस की 19 हो जाएगी ना ऊपर जाके, तो 21 में से प्लस की 19 गई माइनस के 2,
ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, 10^-2 बन जाएगा आपका मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन में ठीक है, न्यूमेरिकल से दो फायदे होंगे भाई इनसे आप लोग, मतलब एक तो आपके फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे सारे, ठीक है, और इन पे भाई मार्क्स आपके कटते नहीं, ठीक है, मार्क्स बिल्कुल भी कटेंगे नहीं, अगर आपने प्रॉक्सी आंसर भी निकाल दिया ठीक है तो आपको मार्क्स कम्प्लीट ही मिल जाएंगे, मतलब सारे के सारे मिल जाएंगे, 3 का क्वेश्चन है 3 के 3 मिल जाएंगे, थोड़ी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।